किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। ख्वाहिशों के सफर में निकल पड़े हैं हम, मिट्टियों के खुशबू सोर चले हैं हम। अब ख्वाबे टूटी सपने बिखरी, याद आए वो मिट्टी धूप गए ख्वाबों की कश्ती। हाँ धूप गए ख्वाबों की कश्ती। अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। दो तीन दिन तुम्हारा कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं है? हाँ, मैं तो घर में ही रहूंगी, कहाँ जाऊंगी घूमने। अच्छा तुम कॉलेज जा रही हो ना? माँ और पिताजी कैसे हैं? ठीक है। अच्छा दीदी, मैं और भैया कल तुम्हारे वहाँ जा रहे हैं। हाँ हाँ, भैया के साथ तुम चली आना। लेकिन दो तीन दिन रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अरे वो सब चिंता ही मत करो, बस तुम लोग यहाँ पे आ जाओ। अच्छा अब मैं रखती हूँ। सुनिए तो। बोलो क्या है? मेरे भाई बहन आएंगे। कहाँ? कहाँ मतलब हमारे घर आएंगे। क्यों? क्यों मतलब आना मना है क्या? मैंने ये कब कहा कि आना मना है, सिर्फ यही पूछ रहा हूँ किसी काम से आ रहा है क्या? बिना काम या कारण वो अपने बहन के घर नहीं आ सकते क्या? ओहो तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हूँ? आप तो मेरे घर वालों से नफरत ही करते हो। चुप! मेरा दिमाग मत छाटो। जाओ। मैं आज बहुत उदास हूँ, बहुत उदास। वो घर में शौचालय बनवाना चाहती है, बनवाए, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन ईट, रेत, सीमेंट ये सब लाने से पहले एक बार मुझे बोलना चाहिए था। हाँ यार, मैं उसका पति अभी तक जिंदा हूँ, हे मैडम, है कि नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बीबी को सिर पर मत चढ़ने दो, संभलना मुश्किल हो जाएगा। यार मैं अपनी बीबी को कहाँ सिर पर चढ़ा कर रखता हूँ, फिर भी यार अपनी है, इसलिए थोड़ा सम्मान आदर तो देना ही चाहिए। आदर प्यार ये सब तो एक हद तक ही ठीक है, तुमने तो वो हद पार करके अपना मूल्य ही खो दिया। अब वो अपने सारे काम दूसरे पुरुषों की सलाह से करने लगी है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। तुम मेरे परिवार के बारे में ये नहीं बोल सकते, और ऊपर से ये राजीव अच्छा लड़का है यार। आजकल लोगों को जानना, भली भांति पहचानना मुश्किल है यार। बाहर में कुछ और, अंदर में देखो तो कुछ और। ये माधव तू गलत बात बोल रहा है, मुझे और तेरे साथ नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं बैठना है तेरे साथ। तुलिका, तुलिका। आ रही हूँ। खोलो। रुको तो। कहाँ थे आप अब तक? इंदु आपका इंतजार करते करते सो गई। उसने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। तुमने? आपके बगैर मैं कैसे खा सकती हूँ?
बाकी सारा काम तो तुम मेरे बगैर ही कर लेते हो। खाना खाने के लिए क्यों रुकती हो? क्या आपको बिना बताए मैंने कौन सा काम कर दिया? तुम जो शौचालय बनाने जा रहे हो मुझे तो पता ही नहीं था। तुमने एक बार भी मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं समझी। सुनिए, आप अगर ऐसे बोलोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। हमारे अपने घर के कामों को मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। अबला हूँ मैं, इसलिए कुछ कुछ काम मैं आप पर छोड़ती हूँ। हाँ, लेकिन कुछ कुछ काम मैं खुद ही कर लेती हूँ ताकि आपका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। अगर आपको इस बात से ठेस पहुँचती है तो मैं ये गलती अब से नहीं करूँगी। नहीं, तुमने कुछ गलती नहीं की है। असल में ये सब मेरी मन की उलझने हैं। आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। पहले आप शराब पीने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन आजकल आप रोज शराब पीकर घर आते हैं। सच बताए ना, आपको हुआ क्या है? इतने परेशान क्यों रहते हैं आजकल? मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ। क्या? हाँ, मैं और इस गांव में नहीं रह सकता हूँ। मैं उब गया हूँ अपनी हालत से। अगर हम शहर चले जाए तो हमारा गुजारा कैसे होगा वहाँ? क्यों, रमेन को देखा नहीं? वो तो आराम से गुजारा कर रहे हैं। रमेन की बात अलग है। सुना है उन लोगों का अपना घर है वहाँ पे। अगर नसीब में है तो हम लोगों का भी हो जाएगा। अगर नसीब में होगा तो हमारा यहाँ भी तो हो सकता है ना? हाँ, तुम अब मेरे साथ बहस मत करो। मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ आपको। अब ये सब छोड़ो, तुम खाना लगाओ। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अब तक। ये गंदी आदत कब छोड़ रहे हो? कुछ नहीं बोल सकता हूँ इस बारे में। तुम खाना लगाने नहीं जा रहे हो? ठीक है, मैं ही बैठूं। पापड़ी, एक गिलास पानी लाना। लीजिए। ये क्या है? घर तोड़ने का नोटिस। क्या? घर तोड़ने का मतलब? हमें 7 दिन के अंदर घर खाली करने के लिए निर्देश दिया गया है। क्यों? क्यों मतलब, ये सरकार की जमीन है, सरकार को वापस चाहिए, इसलिए हमें खाली करना पड़ेगा। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सरकार को क्या हमारी ही जमीन चाहिए? सिर्फ हमारी नहीं, इस पहाड़ी इलाके की जितने भी लोग हैं सबको ये नोटिस मिला है। क्या सबको घर खाली करके जाना पड़ेगा? हाँ, सबको। हजारों लोग चारों ओर पहाड़ियों पर बसे हैं, एक हमारे ही पहाड़ मिला सरकार को। मुझे क्या मालूम? अब क्या होगा? कुछ नहीं, बस यहाँ से जाना पड़ेगा गांव वापस। पर गांव से रोज आने जाने में तुम्हें कष्ट होगी ना? मैं तुरंत गांव जाने के बारे में नहीं सोचा, देखता हूँ हमारे कारखाने के आसपास कोई किराए का मकान मिल जाए शायद। किराया बहुत होगा क्या? जैसा मकान वैसा किराया। अभी जाओगे क्या? ना, अभी नहीं, कल से ढूंढना शुरू करेंगे। अगर इतने कम दिनों में मकान नहीं मिला तो?
ढूंढने से मिल जाएगा। देखिए, आज हम दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। पहली बात, हमें आज के जमाने का वैज्ञानिक तकनीकों से खेत करना है। कम से कम आयत के छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पे हमें ज्यादा फसल उगाना है, तभी हम जाके हमारा मांगे पूरा कर पाएंगे। हाँ, आपने सही बोला। पहले तो हमारे 20 बीघा जमीन थे, अब हमारे चार भाइयों में बंटवारा होकर हर एक के पास सिर्फ 5 बीघा ही रह गए। आपने ठीक बोला काका। देखिए, इसीलिए हमें अच्छे फसल, आप लोगों को सिर्फ मेरा साथ देना है। हाँ हाँ, जरूर देंगे, जरूर देंगे। मकान बदली कर रहे हो क्या? अरे क्या बताऊं भैया, बिना सोचे समझे सरकारी जमीन पर घर बनाया, अब ये हालत। लेकिन हमारा घर भी तो सरकारी जमीन पर है। फिर आपको भी ऐसा ही परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं। पहाड़ में जितना घर है सबको छोड़ना पड़ेगा। आज अंतिम दिन था, कल से एविक्शन शुरू हो जाएगा। मैं थक गई हूँ। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं बाकी सामान लाता हूँ। आप लोगों को किराए का घर कहाँ मिला? मुझे पता नहीं, उनको पता है। चाय पी लो तुम लोग, आ जाओ तुम भी। तुलिका, हाँ? मैं निकलता हूँ। आपने तो कहा था आज नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसे ही घर में बैठ के क्या करेंगे, ये लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। अच्छा, मेरी ना होने से आप लोगों को कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो जो सामान चाहिए वो तो है ही। सामान है ही ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, अच्छा काम करो। ठीक है, अच्छा चाय पी लेना तुम लोग। जी, भैया, राजीव भैया। हाँ, आ रहा हूँ। अरे तुम लोग बैग लेके कहाँ जा रहे हो? भैया, हम लोग शहर जा रहे हैं। शहर? लेकिन क्यों? काम करने के लिए। अरे शहर में क्या काम करोगे तुम लोग? भैया, जो भी मिलेगा वही कर लेंगे। देखो, तुम लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं भैया, हम लोग सचमुच जा रहे हैं। लेकिन अचानक शहर जाने का प्लान क्यों बना लिया तुम लोगों ने? भैया, गांव में रहकर क्या करेंगे? यहाँ मेरे साथ काम तो कर ही रहे हो ना? लेकिन भैया, यहाँ पर हमारे लिए निर्धारित काम नहीं है। शहर में ऐसा क्या काम है? सुना है शहर में काम ही काम है। अच्छे तरीके से काम करने से कम समय में ज्यादा पैसा मिलता है। किसने कहा यह सब? रमन भैया ने। हाँ, उन्होंने तो बहुत पहले ही बताया था, लेकिन हम दोनों ने ही इनकार किया था। पर शहर में रहोगे कहाँ? किराए का मकान में। मेरा एक बात मानोगे? बोलो राजीव भैया। मेरा मानो तो शहर जाने का प्लान कैंसिल कर दो, गांव में ही मन लगाकर मेहनत करो, ज्यादा आराम से रहोगे। शहर के सपनों के पीछे मत भागो। नहीं राजीव भैया, शहर जाने के लिए हम घर से निकल आए, अब घर वापस नहीं जाएंगे। जी भैया, वापस जाएंगे तो बहुत शर्म की बात होगी। घर से निकल आए हैं तो शहर जाना ही ठीक रहेगा। ठीक है, तुम लोगों ने फैसला ले ही लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ।
भैया बोलो। थोड़ा सा पैसा मिल जाता तो। अच्छा कितना सही है? 500 होने से हो जाएगा। अच्छा लो ठीक तरह से रहना। जी हाँ भैया। ठीक है भैया। अच्छा जाओ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अरे राजीव, अरे कहाँ जा रहे हो? क्या कहूँ सासा जी, सुबह से दो काम करने वाला ढूंढ रहा हूँ। अच्छा सासा जी, यहाँ पे कोई काम करने वाला है कि नहीं? इस इलाके में तुम्हें काम करने वाला नहीं मिलेगा, सब शहर की ओर भाग रहे हैं। यहाँ दिन भर 400 रुपए मिलने पर भी काम नहीं करते, लेकिन शहर में महीने में 5000 वेतन में मेहनत कर लेते हैं। हाँ सासा जी, पता नहीं लोगों को हो क्या गया है, आजकल लोग क्यों इतना बदल रहे हैं? अरे वहाँ दिन भर 100 रुपए कमाने से भी बोलता है कि बड़ा नौकरी कर रहा हूँ शहर में, पर यहाँ रोज 400 रुपए मिलने पर भी मजदूर कहलाते हैं ना, और शहर वाला लेवल भी झाड़ना होता है। आप ठीक कह रहे हैं सासा जी, ये शहरी लेवल दिखाने के चक्कर में लोग बहुत कुछ खो देते हैं, और इसी वजह से हमारे समाज का कभी कोई सुधार हो ही नहीं सकता। ऐसे ही एक दिन सब कुछ खो देंगे हम। हाँ, बहुत लोग तो झूठी सपनों के पीछे भागकर यूं ही शहर में भीड़ का खपेता है, उन्हें ना खाने का ना रहने का सुख मिलता है, खुद भी परेशान रहते हैं और शहर में बसे लोगों को भी परेशान करता है। सच कहा है तुमने, अरे कुछ लोग तो पहाड़ में और नाले के ऊपर भी मकान बनाकर शहर की वातावरण को नष्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग मुनाफा के लिए अपने आंगन में भी मकान बनाकर किराए पे दे रखा है शहर में। उन लोगों की घर के आंगन में खुद की गाड़ी रखने की जगह नहीं है। हाँ। सड़कों के किनारे अपने 1,00,000 रुपए की गाड़ी रख देते हैं। ठीक है ससा जी, मैं चलता हूँ, आगे जाकर देखता हूँ काम वाला मिलता है कि नहीं। ठीक है, चलता हूँ। जाओ जाओ। भाई साहब, मैं तो आपको पहचाना नहीं। हम इस गांव में नए हैं। वो तो ठीक है, पर कहां से आए हैं? शहर से आए हैं। अच्छा अच्छा, आप क्या यहीं रहते हैं? मैं तो इसी इलाके का रहने वाला हूँ। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या बात है, बोलिए। आप लोगों का इस इलाके में घूम फिर कर देखा, एक भी सैलून नहीं है। आप लोगों के चौक में एक सैलून खोलना चाहता हूँ, अगर आप मुझे मदद करें तो। मदद तो हम जरूर करेंगे, पर पहले आपके बारे में जानकारी लेना भी जरूरी है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा जन्म शहर में ही हुआ है और मेरे पिताजी भी सैलून चलाते हैं। एक मेरा छोटा भाई है, वो भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो मुझे रोजगार करना है ना। पर आप शहर सुर के गांव में सैलून खोलना क्यों चाहते हैं? हमारा गांव के लड़के शहर में जा रहा है काम के लिए। नहीं साहब, शहर में दिन भर हल्ला, बातों बातों में झगड़ा, और नाले बंद होने के कारण दिन ब दिन
प्रदूषण बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए साहब मैं गांव में ही एक सैलून खोलना चाहता हूँ। पर हमारे गांव के बारे में आपको किसने बताया? किसी ने नहीं, आज चार दिन से गांव गांव घूम रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ। राजू नवीन झा से आने से बोलना कि शाम को मेरे फार्म होके आए। हाँ ठीक है भैया। बैठ लिया जी। दरवाजा बंद मतलब अंदर कोई है जी। उसके निकलने के बाद मेरे बारी, फिर तुम जाना। नहीं 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 सासा जी, मेरा हालत थोड़ा नाजुक है। उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। किराए के मकान में पानी और शौचालय एडजस्ट करके चलना पड़ता है। अरे पानी खत्म हो गया, आप कैसे नहाया जाए? क्या हाँ सासा जी, पानी और कहाँ मिलेगा? अभी नहीं, रात को। अभी अभी मालिक ने पानी बंद कर दिया, अभी नहीं मिलेगा। मालिक को बोलने से थोड़ा सा पानी नहीं देंगे क्या? पानी नहीं लेकिन गाली जरूर देगा। अरे अरे क्या कर रहे हो दिलीप? ये तुम्हारा दुकान है? हाँ। अच्छा तो इसी वजह से तुम आजकल दिखाई नहीं देते हो? हाँ यार समय ही नहीं मिलता। ठीक है, जब भी समय मिले हमारे पुराने अड्डे पे आ जाना। नहीं यार मैंने वो सब छोड़ दिया है। क्या तुम सच कह रहे हो? बताओ कैसे हो? ठीक नहीं यार, शहर छोड़ के आया हूँ हमेशा हमेशा के लिए। चले आए? हाँ। क्यों? क्या बताऊँ यार। कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होगा, भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो चिंता करने की कोई बात नहीं। ख्वाहिशों के सफर में निकल पड़े हैं हम, मिट्टियों के खुशबू सोर चले हैं हम, अब ख्वाबे तूती सपने बिखरी याद आए वो मिट्टी डूब गए ख्वाबों की कश्ती। हाँ डूब गए ख्वाबों की कश्ती, डूब गए ख्वाबों की कश्ती।